किसान अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला। लखनऊ कूच करने से पहले अध्यादेशों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको मौखिक रूप से कहा जा रहा है लेकिन बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जब MSP ही नहीं रहेगा तो किसानों के हाथों से उसकी शक्ति छिनेगी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एकत्र कार्यकर्ताओं ने यह सरकार नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जो किसान के हित की बात करेगा वही किसानों पर राज करेगा, जैसे नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव करने जाने वालों में कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पूर्व मुख्य संगठक संजय कुमार सनी, UPCC सदस्य अनिल शुक्ला, शहर उपाध्यक्ष धीरेश कश्यप, शहर कोषाध्यक्ष राजकिशोर वर्मा, शहर उपाध्यक्ष रिजवान खान, शहर सचिव नोमान अंसारी, पूर्व जिला महासचिव शैलेंद्र सिंह, UPCC सदस्य जूबी खान, जिला उपाध्यक्ष शिशिर बाजपेयी, ग्यारह किसान प्रकोष्ठ प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी, राम आसरे गौतम, सुरेश भारती, संजीव शुक्ला, आमोद मिश्र आदि शामिल रहे। किसान विरोधी जो अध्यादेश आया है, हम लोग इसको रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो तीन बिल पास किए गए हैं, पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है जिसको मौखिक रूप से कहा जा रहा है लेकिन बिल में इसका प्रावधान नहीं किया गया। MSP ही नहीं रहेगा तो किसान के हाथ से उसकी शक्ति छिनेगी। दूसरा, कॉरपोरेट के हाथों में पावर शिफ्ट की गई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी तो कॉन्ट्रैक्ट खेती से अगर किसान की स्वायत्तता है, उसकी सहमति है, तब तो आप कर लीजिए। लेकिन इसमें जो बेसिक एक इन्होंने बदलाव किया है कि उससे संबंधित वाद वो न्यायालय में नहीं जाएंगे, उनके लिए SDM को अधिकृत किया गया है कि वो सुनेगा। ऐसी स्थिति में कॉरपोरेट से एक किसान किस तरह से टकरा पाएगा, किस तरीके से वो अपने हकों के लिए उनसे लड़ पाएगा, ये एकदम से किसानों पर, यहाँ के कुछ चंद पूंजीपतियों का कब्जा करने की, उन जमीनों पर जिनसे किसान अपना भरण पोषण करता था, उनकी ज़मीनों को चंद पूंजीपतियों को देने के लिए ये इंतजाम किया गया है। इसके लिए हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन। क्या है पूरा मामला? मैं आई इंडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश में इस समय जो सरकार जो काम करना चाहती है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो कॉरपोरेट घराने के दबाव में काम कर रही है। आप देख लीजिए, चाहे देश का किसान हो, चाहे छोटा छोटा उद्योगपति हो, चाहे मझले उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है। चाहे वो आप नोटबंदी के माध्यम से ले लीजिए, चाहे GST के माध्यम से ले लीजिए, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस देश के उस मूल वर्ग को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार पूरी तरीके से तानाशाही का काम कर रही है। किसानों के हित में बिल पास कर रहे हैं, लेकिन आपने देश से पूछा कि धारा 370 हटनी चाहिए, तो देश के लोगों ने कहा हटनी चाहिए। आज आप क्यों नहीं किसानों से पूछ रहे हैं किसानों के हित में बिल है कि नहीं है? आज आप क्यों नहीं किसानों से बात करना चाह रहे हैं? मैं माननीय मोदी जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आप किसान का यह बिल रद्द नहीं किया गया तो आने वाले समय में किसान आपके साथ में बहुत बड़ा आपके साथ आक्रोशित होने के साथ साथ आपका बिल्कुल पतन कर देगा। आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर किसानों के बिल पास हुआ है उसके रद्द करने के विरोध में हम लोग लखनऊ कूच करने जा रहे हैं और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।